मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज़ डी के गुप्ता फ्रॉम डी एन बी इंटीरियर्स। पिछली बार हम लोगों ने मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस, हार्डवेयर्स, फिनिशेस के बारे में बात की थी। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कारपेंट्री मेड फर्नीचर एंड फैक्ट्री मेड फर्नीचर। कई लोग कस्टमर को अप्रोच करते हैं कि हम लोग मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं। उनमें से कुछ जेन्युइन होते हैं जो वाकई में मैनुफैक्चरर हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इधर से माल लिया उधर से माल लिया, उनको असेंबल किया और मॉड्यूलर फर्नीचर बना दिया। तीसरा है कारपेंटर जो कहते हैं कि हम मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं। मॉड्यूलर फर्नीचर क्या है, उसकी फिनिशेस क्या होनी चाहिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन फिर दोबारा से बात करेंगे। हमारे पास तीन चार तरह के रॉ मटेरियल हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। एक प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड है, प्रीलैम MDF है, प्रीलैम HDHMR है, पोस्ट लेमिनेटेड MDF है, पोस्ट लेमिनेटेड HDHMR है और पोस्ट लेमिनेटेड प्लाईवुड है। ये कारकस जो किचन के कारकस हों या वार्डरोब के कारकस हों या चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के कारकस हों या बेड्स हों, उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम पोस्ट लैम की बात करते हैं तो एक प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी कि आपने बेसिक रॉ मटेरियल लिया, चाहे वो MDF है, चाहे वो HDHMR है, चाहे वो प्लाईवुड है, और उस पर हम लोगों ने डिफरेंट मटेरियल्स को लेमिनेट किया। उसमें हाई प्रेशर लेमिनेट भी, जिसको हम सनमाइका बोल देते हैं या लेमिनेट बोल देते हैं, वीनियर लेमिनेशन करना हो या एक्रेलिक लेमिनेट करना हो, उसके लिए कारपेंटर को अगर देखें या फैक्ट्री को कंपेयर करें तो कारपेंटर प्रोडक्ट के ऊपर ग्लू लगाता है। ग्लू लगाने के बाद जो भी चीज़ लेमिनेट करनी है, चाहे वो हाई प्रेशर लेमिनेट है या वीनियर है, उसको बिछाता है और उसके बाद उसका वेट रख के चारों तरफ नेल्स लगा के उनको फोल्ड कर देता है। 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद उसको निकाल लेता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जब ग्लू लगाया हम लोगों ने, डस्टी कंडीशंस होती हैं और जहाँ पे भी डस्टी कंडीशंस होगी वहाँ पे एक लेयर डस्ट के और मटेरियल के बीच में और जो चीज़ लेमिनेट कर रहे हैं और जिस चीज़ पे लेमिनेट कर रहे हैं उनके बीच में एक बन जाती है जो वहाँ पे लेमिनेशन को वीक कर देती है। दूसरी बात, अगर किसी वजह से जब हम उस लेयर को बिछा रहे हैं जो लेमिनेट कर रहे हैं बेसिक रॉ मटेरियल के ऊपर, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी बबल रह जाता है, एयर रह जाती है जो नहीं निकल पाती उस प्रेशर से, क्योंकि जो भी हमने उसके ऊपर वेट रखा उस पर यूनिफॉर्म वेट नहीं पड़ पाता, कॉन्ट्रैक्ट 0-0 नहीं हो पाता, तो वो एयर ट्रैप हो जाती है। उस टाइम तो लगता है लेमिनेट हो गया लेकिन उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने से क्या होगा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर गर्म होगी और गर्म होने से वो प्रेशर बनाएगी जो अपने किनारे पे लेमिनेशन हुआ है उसको उखाड़ देगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग टेबल्स वगैरह बनाते हैं जिसको लेमिनेट करते हैं कारपेंट्री वर्क से, अगर हम धूम में बैठे हुए हैं या उसको हम लोग गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हीट पड़ती है, धीरे धीरे उसके अंदर एक फोड़ा सा निकल आता है और वो धीरे धीरे वो फोड़ा बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे डिलेमिनेशन होना शुरू हो जाता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, फैक्ट्री मेड फर्नीचर की बात करें जहाँ प्रॉपर मशीन्स हैं वहाँ पर ग्लू लगाते हैं, डस्टी एटमोसफियर कम होता है। तो एक प्रिकॉशंस तो ये होगी कि हम लोगों ने दोनों लेयर के बीच में, यानी कि बेस मटेरियल और जो चीज़ लेमिनेट कर रहे हैं उसके बीच में भी कोई फॉरेन पार्टिकल के आने की संभावना को कम कर दिया। दूसरा, उसको जब हम 8-4 की प्रेस पे प्रेस करते हैं तो उसमें इक्वल प्रेशर पड़ता है और जब इक्वल प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर जो भी एयर होती है वो ट्रैप नहीं होती बल्कि वो निकल जाती है बराबर से। प्रेस भी दो तरह की होती हैं, कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस। कोल्ड प्रेस का मतलब हुआ कि कारपेंटर जिस तरह से उसके ऊपर वेट रख के उसको चिपकाता है उस तरह से कोल्ड प्रेस में हुआ एक तरीके से, कि आपने फ़र्क क्या रहा कि आपने वहाँ पे डस्टी एटमॉस्फेयर को कम किया, नंबर वन। नंबर टू, इक्वल प्रेशर डालने से वो पॉसिबिलिटी ऑफ एयर ट्रैपिंग की कम हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नाउ इफ़ वी आर यूजिंग द हॉट प्रेस तो अगर किसी वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत एयर है भी तो हीट होने से वो एयर एक्सपेंड होगी और किनारे से वो भी निकल जाएगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मिनिमाइज हो जाती हैं। कारपेंट्री वर्क पे हम बात कर रहे थे वर्सेस दी फैक्ट्री मेड मॉडल फर्नीचर, तो यहाँ से जो प्रोसेस शुरू हुआ यहाँ से ही डिफरेंस शुरू हो जाता है। अब हम लोगों ने लेमिनेशन कर लिया, लेमिनेशन करने के बाद उस लेमिनेटेड बोर्ड को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में काटते हैं। हम लोगों के पास जो कारपेंट्री औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं,
और जो हमारे पास सरफेस होती है जिसके ऊपर रखकर हम काट रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये होती है कि बिल्कुल राइट एंगल कटिंग करना एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर किसी से उसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद वहाँ के जो टूल्स होते हैं उनके पास, वो कितने ब्लंट हैं, कितने शार्प हैं, किस तरह का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से ब्लेड को चला रहे हैं, उस चलाने के ऑपरेशन के अंदर उसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ चिपिंग, चिपिंग का मतलब है जहाँ से हम काट रहे हैं नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, टूल जब प्रेशर डालता है अगर वो ब्लंट होगा तो जो भी लेमिनेशन हुआ हुआ है उस प्रोडक्ट को वो चिप ऑफ कर देगा, तो वहाँ पर हल्की सी एक चिपिंग हो जाती है। चिपिंग होने का क्या होगा कि जब हम चिपिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को एज बेंडिंग करते हैं मैनुअली या मशीन के ऊपर, तो वो चिपिंग हल्की सी दिखाई देती है, और अगर वो शटर के ऊपर है तो एवरी टाइम इट विल बी विजिबल। थर्ड थिंग, जब हम उसकी असेंबली करते हैं साइट के ऊपर कारपेंटर के द्वारा, तो वहाँ पे चाहे तो वो नेलिंग करते हैं या स्क्रूइंग करते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, यानी कि टॉप को, साइड्स को, बॉटम को जोड़ने के लिए कोई इस तरह के टूल नहीं होते जिसके अंदर कि हम हार्डवेयर को इस्तेमाल करके उनकी असेंबली करते हैं, जिसको हम मिनीफिक्स कहते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर दोबारा से एक वीकेंड होगी या उसकी जो फिनिश आनी चाहिए वो नहीं आएगी। एज बेंडिंग, हम किनारे को जहाँ से भी काटते हैं उसको एज बेंडिंग करते हैं, पीवीसी एज बेंड इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो सरफेस पे लेमिनेशन करने के लिए हम विनियर को या लेमिनेट को फील करते हैं। मीन्स डस्टी एटमोसफियर है, दूसरी बात है उसको प्रेशर इक्वल नहीं मिल पाता है, हीटिंग नहीं हो पाती है, ये प्रॉब्लम साइट के ऊपर होती है। फिर 18 mm के बोर्ड के ऊपर हम जब 22 mm की एज बेंडिंग को प्रेस करते हैं तो वो इक्वल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, स्ट्रेट बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, दिस में भी ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वो सब भी कर लिया, उसके बाद उसकी ट्रिमिंग है, उसकी कॉर्नर राउंडिंग है, उसकी बफिंग है, वो सब सही मायने में कारपेंट्री वर्क से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक प्रॉपर मशीन चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉड्यूल को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए चाहे हम स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं कारपेंट्री वर्क के अंदर या फिर हम नेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही नील लगाते हैं, स्क्रू लगाते हैं, वो विजिबल होते हैं, वो परफेक्टली लग जाए वो डिफ़िकल्टी होती है। नेलिंग किया आपने, वो टेढ़ी हो गई, उसको निकाला, वहाँ पे स्क्रू रह जाता है, ये सब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं होते वहाँ पर। अब हम बात करते हैं साइजिंग की, डिज़ाइनिंग की, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जब भी कभी कोई कस्टमर किसी फैक्ट्री से रेडीमेड फर्नीचर या मॉडुलर फर्नीचर बनवाता है, कस्टमाइज्ड पर्टिकुलरली, उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पहले हो जाता है, फिनिशेस उसकी पहले हो जाती हैं, ड्राइंग उसकी पहले बन जाती है, 3D व्यू कैसे बन के आएगा, वो कैसे निकलेगा, कैसे दिखेगा, वो सब विजुअलाइज हो सकता है। वो कारपेंट्री वर्क जब हम कराते हैं वो कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं होता। तीसरी बात, अगर हम कारपेंटर से काम करा रहे हैं तो बेसिकली वी हैव एंगेज द कारपेंटर टू मेक द प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया हमारा काम करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू बिकम द स्लेव ऑफ द कारपेंटर बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे को आज ये मटेरियल चाहिए, मेरे को आज नेल चाहिए, मेरे को आज ग्लू चाहिए, या आज मटेरियल शॉर्ट हो गया। एवरी टाइम द डिमांड, अगर आपको अपना काम पूरा कराना है तो आपको उनके साथ या अकेले जाके बाजार में उनके लिए सामान ला के देना पड़ेगा। तीसरी बात, उनको आपने अपने घर को एक वर्कशॉप बनाने का मौका दे दिया, वो वहाँ पे आराम से वर्कशॉप बना के काम करते हैं। स्पेस आपने दिया, इलेक्ट्रिसिटी आपने दी, पावर आपने दी, पानी आपने दिया, और उसके साथ साथ आप उनके हेल्पर बन गए उनको फैसिलिटेट कराने के लिए कि उनको हर मटेरियल टाइमली अवेलेबल हो जाए। चौथी बात, अगर किसी वजह से मेन कारपेंटर नहीं आता, उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, तो आपका काम डिले होता है। मीन्स यू आर नॉट वेरी श्योर व्हाट मटेरियल विल गेट व्हेन इट इज फिनिश्ड, व्हेन यू विल गेट इट, व्हाट विल बी द लुक ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द फिनिश ऑफ दैट प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि कारपेंटर आने वाले टाइम के अंदर अगर 15% मार्केट ग्रो करता है तो उनका काम खत्म हो जाएगा, नहीं, कारपेंटर का काम इतना रह जाएगा कि फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको प्रॉपर मशीन से, प्रॉपर टूल से उनको ठीक तरीके से असेंबल करें। कारपेंटर्स रिक्वायरमेंट विल ऑलवेज बी देयर, वो कहीं से कहीं तक राइट ऑफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका रोल बदल जाएगा।
अब हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव प्रॉपर मशीन्स, प्रॉपर टूल्स, स्किल्ड मैन पावर, प्रॉपर प्लेस टू मैन्युफैक्चर, प्रॉपर डिजाइनिंग टीम, देन ओनली यू कैन गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके अलावा मॉडुलर फर्नीचर, कारपेंटर मेड एंड फैक्ट्री मेड के अंदर बेसिक डिफरेंस या मेजर डिफरेंस ये होता है कि कारपेंटरी वर्क जब होता है तो अगर किसी वजह से हम किचन को बना रहे हैं उसके अंदर 8 पार्टीशन हैं तो सिंगल पार्टीशन लगा के वो मॉड्यूल को फिक्स कर देते हैं, जबकि एक्चुअल मॉड्यूलर फर्नीचर वो होता है कि एक मॉड्यूल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है, तो उसकी इंटरचेंजेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब क्योंकि वो प्रॉपर हार्डवेयर से असेंबल हुआ हुआ है, किसी भी टाइम उसको डिसमेंटल करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं या रीओरियंट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने परमानेंटली आप मकान ले लिया है, वहाँ से आपको शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली अगर किसी वजह से किसी भी मॉड्यूल को इंटरचेंज करना है तो पॉसिबिलिटीज कारपेंटरी वर्क में नहीं होती, रेडीमेड फर्नीचर में हो जाती है। कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हम कारपेंटर से काम कराएं तो उसके अंदर जो कारपेंटर से काम कराते हैं तो वो इकोनॉमिकल पड़ता है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि हम कारपेंटर को ठेका दे देते हैं, उसमें वो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल ला रहा है, किस क्वालिटी का वो ग्लू ला रहा है, किस क्वालिटी का वो लेमिनेट ला रहा है, उस पर हमारी अटेंशन नहीं जाती। एक फाइनल प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि भाई हाँ उसने लेमिनेटेड प्लाईवुड लगाई है एंड दैट्स ऑल अबाउट। अगर सही मायने में हम कंपेयर करने लगे कि जो हम फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वही रॉ मटेरियल हम लोग कारपेंटर को बोले कि आप इस्तेमाल करिए, वही ग्लू इस्तेमाल करिए, वही एजमेंट इस्तेमाल करिए, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी वजह से हम इसकी सारी कैलकुलेशन करें और उसमें अपने हमने जो टाइम स्पेंड किया उसकी भी थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दें, उसकी कॉस्टिंग निकालें और फाइनली हम फैक्ट्री से मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग को देखें, तो मैं सोचता हूं कि कारपेंटरी वर्क विल बी मोर एक्सपेंसिव देन द फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट। ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कारपेंटरी मेड और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट के अंदर है। अभी मैंने स्टार्ट किया था कि आज कई लोग अप्रोच करते हैं आपको कि हम रेडीमेड फर्नीचर बनाते हैं साहब, मॉडुलर फर्नीचर बनाते हैं साहब। किसी भी बायर के पास जो आदमी काम कराना चाह रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फैक्ट्री विजिट करे। उसका नतीजा क्या होता है कि जो भी उनको अप्रोच कर रहा है उन पर ट्रस्ट करके वो उनको ऑर्डर देते हैं। कई बार वो कारपेंटर से भी गंदा वर्क करके देते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटी कोई है नहीं, एसोसिएशन किसी के साथ की हुई है, कुछ काम कारपेंटरी कराते हैं, कुछ वो मशीन से कराते हैं और ला के प्रोडक्ट को लगा देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस कंपनी से आप काम करा रहे हैं 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के, 1 घंटा लगा के, 2 घंटे लगा के, 3 घंटे लगा के, ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडिंग, आप एक बार विजिट करिए। विजिट करने के बाद देखिए उनके पास प्रॉपर मशीन्स हैं नहीं हैं, वो क्या वो मटेरियल बना सकते हैं जो आप बनवाना चाह रहे हैं, क्या उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, उनके रेफरेंसेस क्या हैं, पुराना काम क्या किया है, कहाँ पे उन्होंने मटेरियल लगाया है, कैसा मटेरियल लगाया है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है मुकाबले की जो सेलर है। मैं नहीं सेल करूँगा, कोई और सेल करेगा, वो नहीं सेल करेगा, आप कारपेंटर से बनवाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ योर प्रोडक्ट, योर पैसा, योर फिनिश, योर लाइकिंग, योर टेस्ट। उन सब चीज़ों को अगर किसी वजह से आप सही मायने में सही प्रोडक्ट चाहते हैं तो कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और प्रोडक्ट की फिनिशेस को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझिए कि क्या आपको चाहिए और कहाँ से मिल सकती है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट फैक्ट्री मेड फर्नीचर एंड द कारपेंटरी मेड फर्नीचर। चॉइस इज योर्स। वी आर मैन्युफैक्चरिंग दीज मॉडुलर फर्नीचर्स इन आवर फैक्ट्री वेयर वी हैव ऑल यूरोपियन मशीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम हॉट प्रेस, पैनल्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वी हैव थ्रू फीड मशीन फ्रॉम जाडे फॉर एज बैंडिंग, वी हैव मल्टी बोरिंग मशीन्स फॉर 3 हेड मल्टी बोरिंग मशीन्स फॉर ड्रिलिंग एक्सेट्रा फॉर फिक्सिंग ऑफ द हार्डवेयर, वी हैव द हैटिक जर्मन हिंज बोरिंग मशीन्स, वी हैव द राउटर मशीन्स, सो वी मैनुफैक्चर द मॉडुलर फर्नीचर रियली। वी आर सर्विंग टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, वी आर सर्विंग टू प्रोजेक्ट्स एंड वी आर सर्विंग पैन इंडिया। इफ यू हैव लार्ज क्वान्टिटी एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव ए स्मॉल क्वान्टिटी you have to bear the extra expenses for my installer who will visit there, but we can service pan India, I mean be it in south, north, west or east, we are everywhere. Thank you very much for watching
DNB Interior YouTube channel, and feel free to contact us anytime. Our telephone number is already available. Thank you very much.